और हमारी चाय आ चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं। आ चुके हैं अभी फिलहाल में सेंटर पॉइंट और आप ये तिरंगा देखें कितना गजब लग रहा है। वो फोटो चालान वाला जो खींचा था पुलिस ने भाई इतना गजब खींचा था। कितने का ये? 150 रुपये का। और बड़ा वाला? और ये राइडर निकला है भी हमारे बगल से भाई, ये ड्रैग रेस करते हैं और ये गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं ड्रैग रेस में। और ये शर्मा गई। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 24 आवर्स। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अलीगढ़ की सैर करने, अलीगढ़ सिटी घूमने। तो भाई आपको भी हम अपने साथ साथ सोचा घुमाएं और दिखाएं अलीगढ़ के शाम के नज़ारे कितने बेहतरीन होते हैं, कितने गजब के होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने धोने तैयार वैयार होके और फिर चलते हैं। तो तैयार होके मिलता है तुम्हारा भाई, बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको पूरा अलीगढ़ दिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब पूरा तो नहीं, मेन पॉइंट जो कि बहुत अच्छे और बहुत गजब के हैं। तो बने रहे हमारे साथ, चलिए अभी चलते हैं तैयार होने। तो भाई अभी हम लोग निकल आए और अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो चलिए चलते हैं, अभी लिफ्ट आ रही है, हमने भी इसे बुलाया अपने पास और ये चली गई जाने के इसके पास। तो अभी आ रही है हमारे पास, तो फिर हम निकलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं और अपनी N160 बाइक देखे पार्किंग में यहाँ लगा रखी है और ये किसी ने अपनी 4-व्हीलर लगा दी। तो निकालते हैं फिर चलते हैं बाजार की तरफ। और सुना है रात में अलीगढ़ चांदनी की तरह चमकता है, तो देखते हैं भाई कैसा चांदनी है और कैसा चांद है अलीगढ़। जैसा आप ये देख रहे हैं ये सेंचुरियन गेट काफ़ी अच्छा और बहुत बुलंद बना हुआ है। और हम ये अब निकल आए हैं शमशाद मार्केट की तरफ। ये जो रोड जाता है सीधा ये शमशाद मार्केट जाता है। और अलीगढ़ की भाई चाय, सिगरेट और मट्ठी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। अभी हम आपको दिखाते हैं चाय की टपली पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर, हर जगह देखें। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ, आप छोटी सी भी यहाँ चाय की दुकान खोल लेंगे तो भाई पूरा दिन भीड़ रहे ना भाई, लेकिन रात को यहाँ पर आपकी दुकान पर भीड़ रहने वाली है शॉप पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं यहाँ के लोग। और ये देखें ये सारी चाय की टपलियाँ हैं। और ये देखे भाई ये मंज़र देखें यहाँ का। तो अभी हम आगे बाइक लगाते हैं, बाइक लगाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ लगाते हैं हम बाइक और फिर पीते हैं भाई चाय। लाल भाई अभी हम लोग आ चुके हैं चाय की टपली पर और देखे भीड़, और हमारी चाय आ चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोस्त फराज भाई भी आए हैं, जैसा ये बैठे हुए हैं इन्हें भी चाय मिल गई है। फराज भाई चाय मिल गई? हाँ भाई। तो फराज भाई को भी चाय मिल गई है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पर चाय मिलने में। आप भीड़ देख सकते हैं, गाड़ियों की लाइन देखे बहुत लंबी लगी हुई है, जैसे लग रहा है बैंक वगैरह में लाइन लगी है। तो भाई अभी फ़िलहाल में हम लोग चाय वाय पी लिए, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखें भाई बाइक की लाइन। तो अब चलते हैं सेंटर पॉइंट की तरफ। और हम आ चुके हैं अभी फ़िलहाल में सेंटर पॉइंट और आप ये तिरंगा देखें कितना गजब लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हमारे भाई भारत की शान जान तिरंगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कितना प्यारा लहर रहा है। इसीलिए रखा गया सेंटर पॉइंट, क्योंकि सारा सामान यहाँ पर भाई मिलता है। और ये रिक्शा वगैरह कहाँ से चले? यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा और ये देखें डब्बू का क्या है, ये डब्बू दाल सेब। यहाँ डब्बू की दालमोट मिल रही है, मैं नाम ही भूल गया डब्बू। और जैसा आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट, अगर आप अलीगढ़ आते हैं आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, कैसी भी कुछ भी अगर चाहिए तो इस मार्केट में आ जाइए सेंटर पॉइंट में, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से तकरीबन 200-300 मीटर दूर है। और ऊपर ये पता नहीं क्या है, बॉडी बिल्डर बना है, ये एडिडास का शोरूम अलीगढ़ में, इसी से रौनक है भाई यूनिवर्सिटी की वजह से, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की वजह से यहाँ पर रौनक है अलीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा। तो भाई हम जब पहले यहाँ पर रहा करते थे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो मेरी जो पुरानी वाली पल्सर थी उसका चालान यहीं पर हुआ था, क्योंकि मैं हेलमेट नहीं लगाया था। और वो फ़ोटो चालान वाला जो खींचा था पुलिस ने भाई इतना गजब खींचा था, मैंने पुरानी आईडी जो मेरी बैन हो गई इंस्टाग्राम की, तो मैंने उस चालान की फ़ोटो को निकाल के अपलोड किया था, वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था मैं उसमें।
तो भाई ये है अमृत निशा। यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, इतनी ज़्यादा दुकानें कपड़ों की, शूज़ की, हर चीज़ की, जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर 6-7 बजे से पहले पहले लेडीज़, वुमेंस, गर्ल्स सबका भाई भरमार होती है, समझे, निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। इस टाइम तो इतना सन्नाटा, माने ये सन्नाटा है बिल्कुल। यहाँ पर सारा गर्ल्स आइटम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर लड़कियों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, क्या ही कहना। और ये बॉबी रेस्टोरेंट जैसा आप देख रहे हैं। और यहाँ का भाई खाना, यहाँ का केक, पेस्ट्री बहुत गजब है। हम जहाँ पर रुके हैं ना आतिफ भाई के फ्लैट में, वो बचपने से यहाँ पर खा रहे हैं। और यहाँ का एक चिकन रेसिपी है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ अगर कोई लेडीज़ वगैरह अलीगढ़ आती है तो वो यहाँ से भाई हर तरीके का सामान ले सकती है, सस्ता, महंगा नहीं, सस्ता, बहुत कम रेट में अच्छा सामान मिलता है। देखे बुरखा कितना प्यारा टंगा हुआ है। और ये कुछ फ्लावर्स हैं जैसा आप देख रहे हैं। कितने का ये? ये वाला कितने का? ये 150 रुपये का। और बड़ा वाला 150 रुपये। इसमें क्या लगा है? ये क्या लगा है इसमें? वो तो हट जाएगा इसका, ये सपोर्ट के लिए होते ना, लेके घूमते ना सर, इसके लिए हटा दूंगा। अच्छा, इसमें खाली सिंपल पानी हफ्ते में एक बार चेंज होगा, कहीं पे इंडोर है, छाया में लगा सकते हैं। तो इसमें खराब नहीं होगा ये पेड़? सालों साल चलता है ये, बिना पानी के 2 हफ्ते जिंदा रह सकता है। अच्छा, अगर 10-15 मिनट है यहाँ पर अभी आप? ठीक ठीक, अभी आ रहा हूँ फिर। तो भाई हमने इन्हें दे दिया ये फंद, ये हमें बेचने लगे थे तो हमने बस रेट पूछने के लिए बात रुके थे, तो हम 10-15 मिनट का फंद दे के निकल आए हैं। मैं क्या करूँगा यार इसका, मैं तो बस आप लोगों को दिखाने के चक्कर में रुका था। और ये राइडर निकला है भी हमारे बगल से भाई, ये ड्रैग रेस करते हैं और ये गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं ड्रैग रेस में। और ये देखे रिक्शे के ऊपर लग रहा है, चढ़ा के निकाल देंगे। ये है अमृत निशा और बहुत प्यारा बुरखे देखें भाई, बुरखे बहुत पसंद है मुझे, यहाँ अलीगढ़ में बुरखे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अप्पी का बुरखा देखिए कितना प्यारा लग रहा है जो पहन के जा रही हैं। और ये शर्मा गई, कैमरा देखकर शर्मा गई अप्पी। तो रात का नज़ारा भी देखे, तकरीबन 9 से प्लस हो रहा है टाइम, 9:30-10 के समथिंग हो रहा होगा। और इस टाइम भी यहाँ पर भीड़ कम नहीं हुई है लेडीज़ की, तो यहाँ समझे मुझे लगता है दिन में 14 से 16 घंटे शॉपिंग करती हैं लड़कियाँ। इधर चलें, चलें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई नकवी पार्क की तरफ, और आपको नकवी पार्क की रोड की सजावट दिखाएंगे हम, कितनी गजब है। और रोड बन रहा है, और ये देखे ये है हमारे लेफ्ट साइड में नकवी पार्क। दोधपुर तरह। और अब हम आपको दिखाते हैं भाई नॉन वेज कबाब वगैरह के होटल्स, बहुत गजब बने हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया गजक। और ये देखें इंडिया गजक पॉइंट। भैया लाला भाई को दिख रहा है हम आ रहे हैं, फिर भी भाई अपनी गाड़ी ला रहे हैं। ये जो शॉप देख रहे हैं आप, ये एक पहली, और ये जो दूसरी शॉप देख रहे हैं यहाँ पर भाई बहुत बेहतरीन मिलते हैं कबाब वगैरह, चिकन विकन, तंदूरी। और ये केला नगर से जस्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये ट्रैफिक आया कहाँ से भाई? और ये ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल भी बेचारे परेशान हो रहे हैं रात में। ये शेर पंजाब है, तो आप आएँ यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं आकर, बहुत टेस्टी और बहुत गजब का खाना, लजीज खाना बनता है यहाँ पर। और ये है अलीगढ़ कैफ़े, ये शायद नया खुला है, जब मैं था तब नहीं था ये। ये है बरकती अतर
हाउस। तो अगर आप चाहते हैं अतर वगैरह लेना है, टोपी ओपी, तो यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल में अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, और जैसा कि आपने देखा आधा अलीगढ़ तो मैंने दिखा दिया होगा भाई, वैसे पता नहीं। तो फिलहाल में अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, और जैसा मैंने आपको दिखाए हैं अलीगढ़ के चुनिंदा कुछ पॉइंट, बहुत गज़ब और बहुत बेहतरीन जगहें। आप अगर खाना वगैरह खाना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट या फिर केला नगर के पास नॉनवेज वगैरह सब आप ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं फ्लैट पर वापस, और भाई आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का व्यू देखकर रात का, और सेंटर पॉइंट वगैरह और अलीगढ़ का भाई। तो अभी हम चलते हैं भाई फ्लैट में अपने और आराम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।